हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता आप सबको मेरे चैनल लेट्स बिगिन लाइफ आफ्टर 50 में स्वागत करती हूँ। आज फादर्स डे है, बहुत याद आते हो पापा। आज मैं मेरी पापा और दुनिया के पापा जैसे सारे फादर्स को विश करना चाहता हूँ और चंद बातें बोलना चाहती हूँ। पापा, दो अक्षरों का ये सब को मैं कैसे बयान करूँ? ये तो मेरे बस के बाहर है। इतना भी बड़ी नहीं हुई हूँ कि इस महान व्यक्तित्व को शब्दों से बयान कर सकूं। पूरे परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाला एक ही इंसान होता है और वो है पिता। खुद दर्द सह के अपना सब कुछ बच्चे के ऊपर जो न्योछावर कर देते हैं वो है पिता। परवरिश के लिए जिसके हम कर्जदार हैं वो है पिता। हमारे नसों में जिसका खून और नमक दोनों दौड़ता है वो है पिता। बच्चे की शान, ताकत, अभिमान और शोहरत होते हैं पिता। एक बरगद है वो जिसके छाये के नीचे हम पले बढ़े हैं। बरगद की तरह धूप, बारिश और ठंड सब कुछ कुछ सहकर हमारे ऊपर कभी आंच भी नहीं आने देते थे। हमें कुछ हो जाता तो माँ तो रो देते थे, मगर पापा तो आंसू भी नहीं दिखा सकते थे। पर अंदर ही अंदर कितना रोते थे इसको पता भी नहीं चलता। ऊपर से नारियल जैसी कठोर और अंदर से इतना कोमल। इसीलिए तो कहा गया, पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परम तप, पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता। एक पिता के अहमियत तब पता चलता है जब अपने सर से उसका साया उठ जाता है। पिता, इस शब्द को समझने में पूरा उम्र निकल जाता है और जब समझ में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। पिता का प्यार और बलिदान का मोल कोई नहीं चुका सकता, ये तो सबसे अनमोल है। उसके लिए तो हर दिन फादर्स डे है, एक दिन क्या मनाएंगे हम? पूरे उम्र भी कम पड़ जाएगा उनको विश करने के लिए। पापा, आज मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, मगर आप नहीं हो। वो घर, वो कुर्सी जहाँ आप बैठते थे, सब कुछ खाली है। पापा की लाडली अब अकेली पड़ गई है। मैं जितना भी बड़ी हो जाऊँ आपको कभी भूल नहीं पाऊंगी पापा। एक बार तो वापस आ जाओ, आपका लाडली आपको विश करती है, एक बार तो सुन जाओ। मिस यू पापा, मिस यू सो मच। आज मैं उन पिताओं के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो कि कोरोना की वजह से अपने बच्चों को अनाथ करके चले गए। भगवान उन बच्चों को शक्ति दे और उन दिवंगत आत्माओं को शांति दे। जय जगन्नाथ।